मुगल गार्डन के बाद विभिन्न G20 देशों के प्रतिनिधियों ने सिटी सेंटर लाल चौक में जम्मू कश्मीर के पहले वायर फ्री और पैदल यात्री बाजार पोलो व्यू का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने विभिन्न दुकानों का दौरा किया और कईयों ने खरीदारी भी की। SKICC श्रीनगर में G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दौरान प्रदर्शित सांस्कृतिक कलाकृति में विदेशी प्रतिनिधियों का मन मोह लिया। कला और शिल्प बाजार में प्रदर्शित कलाकृतियों को 17 देशों से आए प्रतिनिधियों ने खूब सराहा। कई प्रतिनिधियों ने तो इन कलाकृतियों की खरीदारी भी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन के ऑडिटोरियम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर का विकास के परिवर्तन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर शांति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर का विकास जम्मू कश्मीर के बदलाव की शुरुआत है। रामबन पुलिस की विशेष जांच इकाई SIU ने POK में बसे आतंकवादियों और उनके हमदर्द मददगारों पर शिकंजा कसते हुए रामबन जिले के कई जगहों पर आतंकवादियों और उनके रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी की। वहीं SP रामबन मोहिता शर्मा ने कहा कि आतंकवादी उनके हमदर्द जो POK में बसे हैं, वो लगातार चिनाब वैली में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगे हैं। तलाशी के दौरान बहुत सारी डिजिटल आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन विंग द्वारा मिशन लाइफ के तहत मिडिल स्कूल दरपुरा बनिहाल में पर्यावरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को जागरूक किया कि कैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग ना करें, गोबर गैस का उपयोग करें, LED बल्बों का उपयोग करें, निजी वाहनों की जगह बस और साइकिल का उपयोग करें। वहीं वक्ताओं ने जल स्रोतों की सफाई कर उसे बचाने पर बल दिया। अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं, ये पूरे समाज का सामूहिक कर्तव्य है। आयुष विभाग UT जम्मू कश्मीर के योग निदेशक आयुष डॉक्टर मोहन सिंह के मार्गदर्शन में बाहू फोर्ट में एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने किया। इस योग शिविर में विभिन्न स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत GMC द्वारा आम जनता को वार्ड नंबर 30 तालाब तिल्लो में नीले और हरे रंग के डस्टबिन वितरित किए गए, ताकि सूखे और गीले कचरे को अलग किया जा सके और पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके। जनता ने भी GMC और RR केंद्रों पर पुराने इस्तेमाल किए गए सामान जैसे कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, किताबें आदि दान करने का लोगों को अनुरोध किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व वार्ड नंबर 9 के पार्षद MC दूरू वेरीनाग गुल मोहम्मद खान द्वारा गवर्नमेंट मॉडल हॉस्पिटल दूरू का दौरा किया गया। दौरे के दौरान जनरल वार्ड, गायनी, इम्यूनाइजेशन सहित अस्पताल के विभिन्न सेक्शन का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों के साथ बातचीत कर उन्हें प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर 19 जून से मैटरनिटी लीव और कम्यूटेड लीव को छोड़कर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं।